हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी भाई मामा करंजी। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूल। दो कप मैदा लिया, साथ में दो चम्मच घी मैन के लिए ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ऐसे टेस्चर आएगा एकदम ब्रेड क्रम के जैसा। तो थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी लेके अच्छी तरह से एक मीडियम डो बना लूँगी। आटा गूंदने में ज़्यादा पानी नहीं यूज होता है। ऐसे अच्छी तरह से मलमल के डो बना लिया। अभी रेस्ट होने के लिए 10 मिनट साइड में रख देती हूँ, तब तक स्टफिंग बना लेती हूँ। स्टफिंग बनाने के लिए पैन गर्म होने के लिए रख दिया। पहले जो ड्राई कोकोनट आता है पहले ड्राई रोस्ट कर लूँगी। कोकोनट फ्राई करके प्लेट में निकाल लिया। दो चम्मच घी ऐड कर देती हूँ। घी मेल्ट होते ही पहले जो ड्राई फ्रूट्स लिया वो ऐड कर देती हूँ। और साथ में जो रवा लिया वो भी ऐड कर देती हूँ, बारीक रवा। और घी में अच्छी तरह से लो फ्लेम में खुशबू आने तक फ्राई करने का। ड्राई फ्रूट्स और सूजी घी में अच्छी तरह से फ्राई हो गया। मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। एक बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लिया और जो कोकोनट सूजी का फ्राई करके रखा घी से, तो एक बाउल में निकाल लेती हूँ। पहले और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसमें ऐड करूँगी जैसे चाहिए मीठा, उस हिसाब से शुगर ऐड कर लूँगी, शुगर पाउडर, बापीटी शक्कर भी बोल सकते हैं। मीठा जैसे चाहिए उस हिसाब से, मैं तो 4 चम्मच ऐड किया और अच्छी तरह से स्टफिंग में मिक्स कर लिया। ज़्यादा मीठा चाहिए तो और 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं। स्टफिंग तैयार हो गया, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। रवा का जो मिश्रण है ये नटमेक है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इलायची और नटमेक को ऐसे एक पट लोहिया लेके ऐसे गोल बेल के पहले रेडी कर लेती हूँ पूरी का जैसा। और जो रवा का स्टफिंग बनाया उसमें बाद में मैं नटमेग और इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए ऐड किया। और ऐसे मोल्ड के ऊपर रखने का और ऐसे कैविटी बना लेने का। और जो रवा का स्टफिंग तैयार किया था
ऐसे भर के ऐड कर देने का और साइड से पानी लगा के सिक्वेट कर देने का। जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा वो निकल लेने का। बहुत ही इजी से निकल आते हैं, देख ही सकते हैं। तो ऐसे रवा करंजी बना लेती हूँ और प्लेट में बनाती जाऊँगी और प्लेट में रख। और जो करंजी बनाया वो फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। सारे करंजी को लो फ्लेम में फ्राई करने का। एक बार में जितना है उतना ऐड करने का। एक साइड फ्राई होने के बाद फ्लिप करके दूसरा साइड भी। सारे करंजी को फ्राई करके हो गया तो प्लेट में निकाल लेती हूँ। सेम प्रोसेस में सारे करंजी को फ्राई कर लेती हूँ। सारे रवा करंजी फ्राई हो गया, प्लेट में साफ कर लेती हूँ। देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया और क्रिस्पी तो है ही। बहुत ही स्वादिष्ट ऐसे बना के दिवाली में इंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।